गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज है थर्सडे, थर्सडे वाली पूजा मेरी हो चुकी है यहाँ पे। और पूजा ना मैंने 10 बजे के करीब ही कर लिया था, बच्चे के स्कूल जाने के बाद, और फिर ये ऑफिस चले गए थे उसके बाद पूजा हो गई है मेरी। और मैंने चाय मखाना भी ले लिया है। और अभी हो रहा है दोपहर का समय, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि दो तीन दिन से मैं कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी। तो घर में भी ना और भी सारी कई सारी परेशानियां होती है, परेशानियां तो बहुत ही होती है, तो बस छोटे छोटे परेशानियों के बीच हम उलझ कर रह जाते हैं। तो बस वही मेरे साथ भी हो रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली मेम्बर हो ना, तो आपको भी अपडेट देते रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, उनका टाइम हो ही रहा है आने का, तो मैं सोची चलो आपसे तब तक मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आपसे बातें भी कर लूँगी। तो खाना मेरे यहाँ पे बनेगा, मैं बनाऊँगी, तो फूआ यहीं पे आएगी काफ़ी दिनों के बाद। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आपको ज़रा सी भी यूजफुल लगती है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा वीडियो देखते रहने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, साथ में एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और फिर से मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है कि मैं आपके साथ अपडेट हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे ना हमारे इधर पे वेदर देखिए कैसा हो रहा है, कभी बादल, कभी धूप, कभी बरसा, ऐसे हो रहा है। आपके उधर का वेदर कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मानसून तो आ ही गया है, बारिश का मौसम आ ही गया है, सीज़न बारिश वाली ही है। तो देखिए अभी ना धूप भी नहीं है और बादल छाया हुआ है, और बारिश भी देखिए कल रात में तो बारिश हुई थी, बट अब देखिए कि कब तक बारिश। और ये है ना नेक्स्ट डे का वीडियो। तो मैं यहाँ पे नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, पूजा कर रही हूँ, बच्चे स्कूल जाएंगे इसलिए जल्दी से ही पूजा कर ले रही हूँ। और थर्सडे को ना मैंने और शूट नहीं किया था वीडियो, क्योंकि ना फास्ट रहता है ना, तो पता नहीं मेरे सर में ना दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैंने और कुछ शूट नहीं किया था। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ, और फिर मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो मैं 4 बजे के करीब उठ गई थी, सारा काम मेरा हो चुका है और अब मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। तो कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ मैं, इसके बाद फिर मैं फटाफट से किचन में चलूँगी। उसके बाद पहले बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनेगा, फिर बाद में इनके लिए बनेगा। तो चलिए पहले यहाँ पर जब तक मैं पूजा कर रही हूँ ना, तब तक बच्चे खुद से रेडी भी हो जाएंगे। सोनू, सुनिधि, शुभम सारे को यहाँ पे नहा धोकर ब्रश करके रेडी हो गए हैं, सब तैयार भी हो गई है। और यहाँ पे ना नाश्ता मेरा बन गया है, तो ये मैं बना रही हूँ इसकी चोटी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है मेरे, मतलब मैं नहा ली हूँ इस वजह से पूजा कर ली हूँ, नहीं तो मैं इनके जाने के बाद करती हूँ, तो यहाँ पे ना इसलिए लेट हो गया है। तो सोनू बोल रही है मम्मा आप चोटी बना दो, क्योंकि मेरे से फिर लेट हो जाएगा, नहीं तो ये बनाने को सीख गई है, ये खुद से रोज़ बना लेती है, बट आज जल्दबाजी था इसीलिए मैं इसकी चोटी बना दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बच्चे स्कूल चले गए हैं, अब मैं बना ले रही हूँ अपने लिए चाय। तो यहाँ पे ना सुबह हमारे यहाँ पे गेस्ट आने वाले थे, इसीलिए मैं ना फटाफट से नहा ली थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद नहाना होता है ना, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए आज सुबह ही नहा धोकर रेडी हो गई थी और अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। ये ना चले गए हैं मार्केट, बच्चे भी निकले हैं और ये भी निकले हैं, बोले कि मैं सब्ज़ी लेके आ रहा हूँ, तो ये मार्केट चले गए हैं। तो मैंने ना रात को उड़द दाल फूलने के लिए रख दिया था, सोनू को इडली खाने का मन कर रहा था, तो बोली थी कि मम्मा आप इडली बना दो, तो मैंने ना दाल भिगने के लिए रख दिया था, क्योंकि दाल ना मेरे पास मतलब बहुत दिनों का पड़ा हुआ था, तो मैं सोची चलो इसको यूज कर लेती हूँ, तो मैंने ना रात में इसे फूलने के लिए दे दिया था, बट ना मैं चावल डालने के लिए भूल गई थी इसके साथ में। तो मैं यहाँ पे उड़द दाल को पीस ले रही हूँ, अच्छा सा महीन करके ही पीसूँगी, और इसका बनाना है इडली, तो मैंने ना साथ में चावल डालने के लिए मैं भूल गई थी, तब मैं देख रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं ना इसको पहले पीस ले रही हूँ अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, उसके बाद मैं करूँगी कि इसमें मैं डाल दूँगी सूजी। उड़द दाल तो ऐसे भी देर रहने से वो फर्मेंट होता है, खट्टा होता है, तो मैं ना इसमें सूजी डाल दूंगी,
तो फिर इसकी इडली बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। सूजी की जो हम इडली बनाते हैं उसमें अलग से दही डालना पड़ता है, उसको फुलाना पड़ता है, आपको ना इसमें दही डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप सूजी डाल दीजिए। और इसको ना मैं अभी सुबह में पीस रही हूँ तो इसको मैं नाइट में बनाऊँगी, तब तक ये अच्छे से फर्मेंट भी हो जाएगा, सूजी भी अच्छे से हमारा फूल जाएगा। तो आप भी इस तरह से अगर चावल डालना भूल जाते हो ना तो आप इस तरह से सूजी डालकर इसको ना एडजस्ट कर सकते हो। इडली काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी तो मैंने यहाँ पर दो बैच में इस तरह से इसे पीस लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सूजी। तो मैंने सूजी ना 200 ग्राम के करीब यहाँ पे डाल दिया था, दाल भी मेरा अच्छा खासा ही था। तो चलिए मैं यहाँ पे सूजी डाल दे रही हूँ और यहाँ पे इसे मैं मिक्स करके रख दे रही हूँ। तो अब ना मैं इस वाले पतीले पे आटा लगाऊंगी। तो आपके पास भी इस तरह से दूध गर्म किया हुआ पतीला बचता होगा ना, उसमें जो साइड्स की मलाई रहती है, तो आप क्या करना कि इसे वेस्ट मत करना, आप इसमें आटा लगा लेना। इसे जो रोटियां बनेगी ना वो काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार भी होगी और ये जो मलाई है ना ये सारा आटे में आ जाएगा, तो हमारा आटा भी सेट हो जाएगा और हेल्दी बन जाएगा। तो इसे मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसी तरीके से इसे यूज कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से अब मैं आटा लगा ले रही हूँ। और ये अभी गए हुए हैं सब्जी लाने के लिए, बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो अब बनेगा इनके लिए नाश्ता, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं इस वाले पतीलों को ना वेस्ट नहीं करूँगी और मैं हमेशा यही करती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ और मैं ना दूध का जो पतीला होता है ना उसे मैं इसी तरह से रीयूज कर लेती हूँ उसकी मलाई को। आप ना पानी की जगह पे दूध डालकर आटा लगाओगे तो वो रोटी ना काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहती है, तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करना एक बार। अभी ना 8 बज चुके हैं और यहाँ पे देखिए आपको ना उल्टा दिखता होगा, ये 6 बजे गए हैं बोल के कि मैं जा रहा हूँ सब्जी लाने के लिए। तब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, 2 घंटे हो गए हैं बट अभी तक ये नहीं आए हैं। मैंने आटा सेट करके रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से अपना काम करने के लिए। तो मैं ना आलू की भुजिया बना दूँगी सिंपल वाली, क्योंकि इंतज़ार की भी ना कोई हद होती है, सारी हदें पार हो जाती है इंतज़ार के चक्कर में। यहाँ पे मैं फटाफट से फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि ना इनका इंतज़ार कर करके मैं थक गई थी कि अब सब्ज़ी आ जाए अब सब्ज़ी आ जाए। लास्ट में मैं बना दे रही हूँ सिंपल सी आलू की भुजिया, साथ में रहेगा दूध तो फिर ये फिर खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे भुजिया छौंक ले रही हूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा था ना और भी सारे कई सारे काम होते हैं घर में तो वो भी मैनेज करना होता है। फिर ना मैं एडिटिंग भी करूँगी तो अगर मैं टाइम से सारा काम नहीं निपटाऊँ ना तो फिर सारा काम मतलब लेट लेट हो जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पर अपना ये काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं भुजिया को ना कम आँच में कर दी हूँ और फिर फटाफट से और भी एक्स्ट्रा कई सारे काम होते हैं ना घर में उसको भी निपटाना पड़ता है। तो मैंने जो कपड़े वॉश करके रखे थे वो मैं बालकनी में फैला दे रही हूँ। यहाँ पे ना आपको धूप की वजह से मेरा मतलब मैं नहीं दिख रही हूँ बट मैं यहाँ पे अपने कपड़े सारे फैला दूँगी। ना नाश्ता भी हो गया है हमारा और मैंने ना किचन को पूरा क्लीन कर दिया है, गैस सेल्फ मैंने पोंछ लिया है और यहाँ पे जो सूजी है ना वो सूजी और जो उड़द दाल है वो यहाँ पे मैंने इस तरह से फर्मेंट होने के लिए इसे रख दिया है। और यहाँ पे सब्जियाँ ये लेकर आए हैं वो भी मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिया है, ये सूखेंगे तब मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और फिर यहाँ पे सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। तो अब अभी टाइम है मेरा वीडियो एडिटिंग करने का, जो कल वीडियो मैंने शूट किया है ना उसे मैं एडिटिंग करूँगी। एडिटिंग करने में ना 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है, उसके बाद फिर से लंच बनाना होगा क्योंकि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। अभी बन रहा है इडली और इसके साथ साथ मम्मी बहुत सारा काम भी कर ले रही है। तो देखिए ये कितने अच्छे से यहाँ पे देखिए रेडी हो गया है ना, फनक गया है। और ये ना मैं पहली बार खुद ट्राई कर रही हूँ तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, देखिए कि ये परफेक्ट बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए इसकी कंसिस्टेंसी भी ना बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रखनी है। इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना है नहीं तो ये पकने में ना ज़्यादा टाइम ले लेगा। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ये
इडली बनने के लिए मैंने ना पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और फटाफट से ये मैं खानों में लगा दूंगी और इसे डालकर फिर हमें पका लेना है। तो यहाँ पे इडली बन चुका है और ये देखिए ये तो कितने यहाँ पे देखिए ये कितने अच्छे से फूल गया है। मैंने ना डर डर से थोड़ा थोड़ा करके डाला था कि पता नहीं ये फूलेगा कि नहीं फूलेगा, तब मैं इसमें इनो या फिर बेकिंग सोडा डालूंगी, बट ना मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है और ये देखिए अपने लेवल से काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है। तो आप ना इस तरीके से इडली एक बार ज़रूर बनाना ज़रूर। तो देखिए ये ना बहुत ही अच्छा सा बन गया। अब मैं इसको ठंडा हो जाने देती हूँ, उसके बाद निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं। ये देखिए ये ना काफ़ी स्पंजी बना है। देखिए तो मैंने दाल ना चावल ना इसमें फूलने के लिए ना डालने के लिए भूल गई थी, बट मैंने इसमें सूजी डाल दिया है, ये बहुत ही परफेक्ट बना है। तो आप ना इस तरीके से अगर भूल जाओ तो सूजी डालकर मैनेज कर लेना, इडली आपकी बन जाएगी। और यहाँ पे ना इडली हमारी रेडी हो गई है, मैं इसे निकाल ले रही हूँ और फिर मैं दूसरा बैच यहाँ पे डाल दूँगी। और रियली में ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार भी हुआ था, तो आप एक बार रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। देखिए ना इडली बन गया है और ये ना बादाम और चने दाल की चटनी और साथ में ये इमली की मीठी चटनी है और ये ना बहुत ही मतलब सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। देखिए अच्छा देखिए है ना बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा ना डिनर बन गया है, आप भी आके कर लीजिए। और यहाँ पे ना इडली बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी, इसके साथ ना मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बनाई थी। तो रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।